spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. सो और भाई लोग आ चुके हैं न्यू जबरदस्त वीडियो लेकर के एंड गई सर। आज की इस वीडियो में बनाने लगे कुछ इस तरह का ऑसम न्यू स्टेटस जो कि सर आपने अभी प्रीव्यू पर देख लिया होगा कि भाई कितना ऑसम स्टेटस हम बनाने वाले हैं। सो भाई सर इस स्टेटस में जो यूज किया गया मटेरियल है वो अभी क्रिएशन का एंड गई सर मैंने उनसे फुल परमिशन ले रखा। सो भाई सर इसका मटेरियल आप भी यूज कर सकते हो बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से भाई आप भी स्टेटस बना लेना ठीक है। सो भाई सर यहाँ पर हम सिंपली कहीं से अगर हम बात करें कि अगर आप ऐसा स्टेटस बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले हम सिंपली करने के इस काइनवेस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा ठीक है। एंड गाइस अगर आप फ्री मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हो तो गाइस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा ठीक है। अब हमें सिंपली करने का सिंपली हमें इस कैनमस्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमें सिंपली प्लस पर क्लिक करना एंड यहाँ पर 9 to 16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। सो गई सर यहाँ पर रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक करना एंड हमें सिंपली ब्लैक वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। अब गाइस हमें सिंपली करना है इसका जो साइज है वो हमें 13 सेकंड तक गाइस हमें यहाँ से इसे इंक्रीज कर लेना है। जैसे गाइस मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ ठीक है कुछ इस तरह से ओके गाइस। सो आप इसे मैंने बैकग्राउंड का साइज किसी मैं आप पर बढ़ा लिया। अब हमें सिंपली क्या करना है हमें सिंपली ये लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर सर आप तो या तो अपना नाम लिख सकते हो या फिर गई आप यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ किंग वो आप यहाँ पर लिख सकते हो या फिर गई आप यहाँ पर जो इच्छा हो आपकी गई वो यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है। तो गई सर फिलहाल गई सर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किंग ठीक है। सो गाइस सर मैंने यहाँ पर किंग लिखने के बाद गाइस यहाँ पर मैंने स्टिकर भी यूज किया हुआ है ठीक है एंड यहाँ पर इमोजी। सो कुछ इस तरह से इसका जो साइज है गाइस मैं इससे बड़ा कर लेता हूँ एंड उसके बाद सिंपली मैं फॉन्ट पे जाऊँगा एंड यहाँ पर गाइस मैं डिस्प्ले फॉन्ट का यूज करूँगा। सो कुछ इस तरह से एंड गाइस आप यहाँ पर जो बैटर लगे आप उसे यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे अगर आपके पास ये वाला काइनमस्ट एप्लीकेशन है सर आपको बहुत सारे वैसे फॉन्ट मिल जाएंगे। सो आप गाइस किसी को भी यूज कर सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से एंड गाइस हमें सिंपली करना है इसका जो लेंथ है वो हमें गाइस बैकग्राउंड के हिसाब से गाइस हमें यहाँ पर इसे बड़ा कर लेना है ठीक है। सो कुछ इतना अब गाइस हमें सिंपली करना है गाइस हमें सिंपली लेयर पे क्लिक करना है मेटा पर एंड गाइस हमें ऐसे एक वीडियो को ले लेते हैं ठीक है। सो गाइस यहाँ से मैंने वीडियो को ले ली। अब हम सिंपली करेंगे इसको थोड़ा इस तरह से गाइस हम रोटेट कर लेंगे एंड इसका जो साइज है वो हम इस तरह से बड़ा कर लेंगे। अब हम सिंपली करेंगे गाइस ब्लेंडिंग पर जाएंगे एंड ब्लेंडिंग पर जाने के बाद हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको एंड मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से आपको वीडियो देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ऑसम देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको बहुत ही अमेजिंग टाइप का ठीक है। सो कुछ इस तरह से गाइस यार मतलब यहाँ पे जो फायर इफेक्ट है वो आपके नाम के ऊपर जाते जाएगा एंड यहाँ पे जो उसका कलर है वो काफ़ी अमेजिंग टाइप का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। सो सिंपली गाइस हमें सिंपली हमें करने के लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पे इफेक्ट पर क्लिक करना है, ग्लिच इफेक्ट पर जाना है। ग्लिच इफेक्ट हमें यूज करना है VHS रिवाइंड का। सो गाइस हम इसे यूज कर लेते हैं एंड हम सिंपली करके इस तरह से साइज़ बढ़ा कर लेते हैं एंड इसका जो साइज है वो भी गाइस हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं ठीक है। तो गाइस हम सिंपली करेंगे ऐसे गाइस हम आप बीच बीच पर थोड़ा सा कट लगा देते हैं कुछ इस तरह से ठीक है। तो आपको भी कुछ इस तरह से कट लगा लेना है तब गाइस यार मतलब आपका जो स्टेटस है वो देखने में काफ़ी अमेजिंग टाइप का लगे एंड आप थोड़ा सा और डिफरेंट करने का ट्राई जरूर करना ताकि आपका स्टेटस थोड़ा और डिफरेंट लगे ठीक है। सो कुछ इस तरह से गाइस यार हमने जो इसे कर लिया है ओके। सो भाई सर थोड़ा सा हम इसे छोटा कर लेते हैं ताकि मतलब ज़्यादा ग्लिच इफेक्ट हमें नहीं चाहिए क्योंकि भाई हम जो सॉन्ग यूज करेंगे उसमें ज़्यादा ग्लिच की जरूरत नहीं है और अगर ज़्यादा ग्लिच रहेगा तो भाई हमारे जो फॉन्ट है जिस पे फायर इफेक्ट आ रहा है वो हमें सही से शो नहीं होगा तो भाई क्या ही मतलब रहेगा फिर उसमें फायर इफेक्ट डालने का। सो सारी चीज़ों की हमने थोड़ा सा मतलब ध्यान में रखा हुआ है एंड उसके बाद हमने इसे तैयार किया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से ठीक है एंड अब गाइस हम इसे थोड़ा सा प्ले करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो गाइस लुक आपको चाहिए था वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ग्लिच इफेक्ट प्लस जो इफेक्ट चाहिए आपको फायर इफेक्ट वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। सो अब गाइस सर आपको सिंपली करना है कि गाइस आप जैसे यहाँ पर सब कुछ पूरा कंप्लीट लिख लेंगे उसके बाद आपको इस वीडियो को एक बार कर लेना है एक्सपोर्ट। सो गाइस आपको सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक करना एंड एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस मैं इसे एक्सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सपोर्टेड दिस वीडियो। सो गाइस हम सिंपली करेंगे इसे यहाँ से बैक कर लेंगे एंड हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ से गाइस मैं कंप्लीटली बैक कर लेता हूँ पहले ठीक है एंड अब हमें सिंपली फिर से प्लस में क्लिक करना है, यहाँ पर रेशियो को सिलेक्ट करना है, बैकग्राउंड पर जाना है एंड ब्लैक बैकग्राउंड को फिर से सिलेक्ट कर लेना है एंड अब हमें सिंपली करना
है क्या है इसका साइज की जो लेंथ है वो भी मैं 30 सेकेंड कर लेना जैसे मैंने उस वाले स्टेटस का किया हुआ था। सो अब हमें सिंपली लेयर पर क्लिक करना है मीडिया पर एंड अब इसमें सिंपली एक मतलब जो एक ग्रीन स्किन है उसे किसी यहाँ पर यूज करेंगे। सो वैसे हम सिंपली इस तरह से इसे रोटेट कर लेते हैं एंड इस तरीके से हम इसका जो साइज़ है वो हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हम रोटेट कर लेते हैं इतना और कुछ इतना वैसे हम इसे रख लेंगे कुछ इतना ओके। अब वैसे हमें सिंपली क्या करना है तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इतना इसका साइज है तो वैसे इसे हम कुछ नहीं करेंगे फिलहाल में हम गई यहाँ पर हम क्या करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देख लेते हैं कि फायर जो है यहाँ से चल रहा है तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे मीडिया पर एंड यहाँ से हम फोटो को ले लेते हैं ठीक है। तो वैसे मैं फोटो को ले लेता हूँ इस वाले को ठीक है एंड मैं सिंपली क्या करूँगा थोड़ा इस तरह से इसको बड़ा कर लूँगा थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि भाई ये स्क्वायर साइज़ की फ़ोटो है तो इसे हम थोड़ा फुल साइज़ में लाने के लिए थोड़ा सा हमें कट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से और हम डन कर लेते हैं और हम थोड़ा सा इसका साइज इस तरह से बड़ा कर लेते हैं थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे सेंड टू बैक कर देंगे। सो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको ठीक है। अब गैस आपको सिंपली करना के इधर से जो एक्स्ट्रा पार्ट उसे आपको यहाँ से कट कर देना ठीक कुछ इतना और अब गैस आपको सिंपली ग्रीन स्किन पर टैप करना एंड उसके बाद क्रोमा की पे जाना एंड इसे इनेबल कर देना। सो क्रोमा की को इनेबल करने के बाद हमें सिंपली डिटेल्स पे जाना एंड इस डिटेल्स के ग्राफ पे जाना आपको ठीक है एंड अब आपको सिंपली करने के इसको गैस आपको थोड़ा इस तरह से सेंटर पर रख लेना। सो आप यहाँ पर देख पा रहे कुछ इस तरह से यहाँ पर सो थोड़ा सा सर हम यहाँ पर कुछ इतना हम बढ़िया से रख लेते हैं सर ठीक है ज़्यादा नहीं रखना एंड हमें सिंपली इस पर टैप करना। अब हमें सिंपली फिर से उसी पर जाना है क्रोमा की पे। सो क्रोमा की पे जाने के बाद सर अब थोड़ा बैग आ जाते हैं क्रोमा की पे जाते हैं एंड 50 को थोड़ा सा हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। सो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब हमें सिंपली की पर क्लिक करना रेड को हम 23 तक गई समय यहाँ से थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देख लेते हैं तो 23 तक कुछ यहाँ पर रख लेते हैं 21 एंड डन कर देते हैं। सो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा परफेक्टली गई सर यहाँ पे हो चुका है रिमूव एंड अब इसमें थोड़ा सा इसे प्ले करके भी देख सकते हैं। सो भाई सर यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो कुछ अमेजिंग टाइप का। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अब हमें सिंपली करने के यहाँ पर हमारी जो फोटो वो थोड़ा सा छोटा पड़ रही है तो हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे ठीक है कुछ इस तरह से। सो भाई कुछ इतना ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई हमारी जो फोटो है वो परफेक्टली सेट हो चुकी है बिल्कुल फायर के साथ ऐसे लग रहा है कि मतलब हमारी फोटो यहाँ से जलना स्टार्ट हो रही है एंड परफेक्टली गई आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ठीक है। अब गई सर हमें सिंपली करना क्या है इसे गई हमें एक्सपोर्ट कर लेना। सो गई सर मैंने ऑलरेडी वीडियो एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। सो गई मैं यहाँ पर आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। सो गई यहाँ से मैं कंप्लीट ले जाऊँगा बैग। अब गई हमें जो लास्ट काम करना है वो क्या करना है हमें सिंपली लेयर पर क्लिक करना है मीडिया पर देन यहाँ पर गई हम सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे एंड एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे डन करेंगे एंड हमें सिंपली 30 सेकेंड का इसका जो टाइम है वो हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं ठीक है। सो इस यहाँ से हमने 30 सेकंड का टाइमर यहाँ पर बढ़ा लिया। अब हम लेयर पे क्लिक करेंगे मीडिया पर एंड जो हमने एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है फाइल गाइस वो हम यहाँ से सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। जैसे कि सर मैंने यहाँ पर इस वाले को एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है तो फर्स्ट फ्लोर इसमें से एक्सपोर्ट करके पहले ही मैंने रखा हुआ है तो इसे मैंने ऐड कर लिया ठीक है। अब हमें सिंपली करना है कि जो हमने सेकंड में जो वीडियो एक्सपोर्ट किया हुआ था उसे किसी मैप पर ले लेते हैं बट उससे पहले हम सिंपली करेंगे इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा सा हम इसे रिमूव कर देते हैं स्टार्टिंग टाइम का एंड उसके बाद हमने जो यहाँ पर इस वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट किया हुआ रिसेंटली हम उसे यहाँ पर ऐड कर लेंगे ठीक है। तो सर मैंने यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट करके रखा हुआ तो मैंने इसे यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर किसी मैं करूँगा कहीं से यहाँ से फुल स्क्रीन कर दूँगा कुछ इस तरह से ठीक है एंड उसके बाद सो कहीं सर यहाँ से फुल स्क्रीन से नहीं करेंगे इससे थोड़ा सा जूम कर लेंगे अपने हिसाब से परफेक्टली कुछ इस तरह से एंड डन करेंगे। सो इस पर हम क्लिक करेंगे फिर कहीं हम ब्लेंडिंग पर जाएंगे एंड उसके बाद हम सिंपली इसे स्क्रीन कर देंगे। सो स्क्रीन करने के बाद गई हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे की तरफ ले लेते हैं एंड कुछ यहाँ से गई ठीक है ताकि मतलब जहाँ से चलना स्टार्ट हो रहा है वहाँ से गई हम इसे रखेंगे यहाँ से दिखना चाहिए ठीक है कुछ यहाँ से। सो कुछ यहाँ से जब यहाँ कर लोगे तो गाइस आपको जो इफेक्ट है वो कुछ ऐसे देखने को मिलेगा कि बिल्कुल रियलिस्टिक से लुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि यार बहुत ही ऑसम लगता है एंड उसके बाद आपको सिंपली करना क्या अगर आपके पास सेम ये वाली फोटो तो गाइस आप इसे थोड़ा सा मतलब रोटेट कर लेना था कि ये बहुत ही सही लगती है रोटेट करने के बाद एंड उसके बाद आपको सिंपली करना क्या यहाँ पर कुछ कलर ग्रेडिंग मतलब यार लाइट इफेक्ट डालना है। सो हम सिंपली करेंगे गाइस हम सिंपली लेयर पर क्लिक करेंगे मीडिया पर एंड गाइस यार मैं यहाँ से इसे ऐड कर लेता हूँ ठीक है। सो गाइस यार यहाँ से हम इसे लाइट इफेक्ट वाले मतलब वीडियो हम ले लेते हैं एंड फोटो स्क्रीन कर देंगे एंड इस पर हम टाइप करेंगे नहीं जाएंगे ब्लेंडिंग मोड पर एंड इसे कैसे हम स्क्रीन कर देते हैं। सो गाइस यार यहाँ पे स्क्रीन करने के बाद इसका जो कलर है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा एंड यार ये काफ़ी अमेजिंग टाइप का लुक आपको यहाँ पर देता है ठीक है। अब गाइस सर जैसे यहाँ पर मतलब गाइस पूरा फोटो जल जाएगा उसके बाद जो गाइस सर आपका जो मतलब लास्ट का जो हिस्सा बचेगा वो भी गाइस सर बहुत ही अमेजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो प्रीव्यू में थोड़ा सा गाइस सर यहाँ पे मतलब हिटक सर आप वीडियो सो गाइस आप उस चीज़ को मतलब इग्नोर कर देना बाकी आपने प्रीव्यू पहले ही देख लिया
दिया। सो हम इस एक और वीडियो को यहाँ पर यूज करेंगे जो कि यार फायर इफेक्ट है, बहुत ही अमेजिंग टाइप का लगता है एंड बहुत ही अमेजिंग लुक देता है इस वीडियो के अंदर। सो इस तरह हम सिंपली इसे ब्लेंडिंग पर जाएंगे एंड इसे हम स्कैन कर देंगे। सो स्कैन करने के बाद इसमें की जो लुक आता है वो कहीं सर बहुत ज़्यादा अमेजिंग टाइप का आता है एंड इसमें जो लाइट इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग बनाती है इस वीडियो को। सो कहीं सर यहाँ पर जो हमारा लास्ट काम बचा वो लेयर पर क्लिक करना है मीडियम पर एंड कहीं समय से एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि सर यहाँ पर और भी सही से कहीं से मतलब जो लुक देगा। सो कहीं हम सिंपली बॉर्डर को यहाँ पर लेने के बाद इसे हम थोड़ा सा परफेक्टली सेट करेंगे एंड थोड़ा कम मात्रा में हम यहाँ पर यूज करेंगे ताकि मतलब यहाँ पर जो फायर इफेक्ट है एंड जो वीडियो इफेक्ट है वो थोड़ा सही से शो हो एंड यहाँ पर उसका जो मैंसन है वो बढ़िया से कहीं समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो अब गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अपना जो स्टेटस है वो कंप्लीटली बन के चुका है रेडी। सो गाइस यार आप भी कुछ इस तरह से ऐसा स्टेटस बना सकते हो। सो आई होप यू गाइस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना। सो आज के लिए बस इतना ही यार, आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं वीडियो पर, तब तक के लिए जय जय भारत।